राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सेंट एंड्रयूज कॉलेज के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित संबंधित अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा गुब्बारा उड़ाकर किया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मतदाताओं को बिना प्रलोभन, भय एवं निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाने के साथ साथ नए युवा मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक गीतों के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मतदान लोकतंत्र में पुनीत कर्तव्य है, निर्वाचन में भागीदारी बढ़ाने के लिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महती भूमिका होती है एवं समाज हित में जुड़ने हेतु मताधिकार का प्रयोग आवश्यक है, इससे समाज और क्षेत्र की उन्नति होगी। कार्यक्रम राष्ट्रगीत के साथ संपन्न हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, बच्चों को बैठा दें, प्रस्तुत करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हम सबके बीच में एडीएम सर, सिटी आदरणीय मंडलायुक्त और आप मंडल के निर्वाचन आयुक्त और समस्त निर्वाचन के जिला निर्वाचन अधिकारी ही के सदर जो निर्वाचक नामावली बनती है, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब का स्वागत है और यहाँ पर जो कि पंचायत निर्वाचन के स्वागत है, मजिस्ट्रेट साहब और सभी का स्वागत है और सभी भी वोटर निष्पक्ष रूप से स्वच्छ छवि के अपने जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करें और अपने जो संविधान में आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार का चयन, तो आप निष्पक्ष स्वच्छ छवि के लोगों का चयन करें ताकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो भावना है उसको कायम रखा जा सके। रिस्पेक्टेड मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लोकतंत्र का मूल है ये पहचान लो। भाइयों और बहनों, मैं तवाई भैया आपके क्षेत्र का समाज सुधारक, आप सभी एक बार मुझे मत देकर देखिए, आपके क्षेत्र की दशा बदल दूंगा। दशा बदल आएगी, बिजली आएगी, आप सभी के घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पानी आएगा, पानी। आप सभी के बच्चों के लिए इस क्षेत्र में सरकारी विद्यालय बनवाऊंगा। ये हमारे न्यू वोटर्स हैं जो आगामी सत्र में अपने चुनाव में अपना प्रथम योगदान देने जा रहे हैं अपने मतदान का उपयोग। तो शेष जो हमारे अन्य न्यू वोटर्स हैं उन्हें भी प्रशासन की ओर से क्षमा प्रतीम ग्रामीण क्षेत्र से इसी क्रम में
मिस्टर मनोज कुमार चौधरी, आशीष चंद पांडे, योगी गुप्ता, श्रीमती नेहा पांडे एवं मिस्टर विकास गुप्ता। मैडम मैडम भवीन भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए नेशनल वोटर्स डे का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है 25 जनवरी को, और इसका उद्देश्य ये है कि हम वोटर्स को जागरूक करें और उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करें, और मताधिकार का प्रयोग के साथ साथ मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से हो, धर्म जाति या किसी भी कुप्रभाव में ना आके वो इसका प्रयोग करें, इसके लिए भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं। यदि हम गोरखपुर जनपद की बात करें तो आप देखेंगे कि विगत 5 वर्षों में यहाँ पर जहाँ पर 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 53% मतदान हुआ था, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60% मतदान हुआ है, तो वोटर टर्नआउट बढ़ा है। और मुझे आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम करने से जागरूकता बढ़ेगी और आगामी जो चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, उनमें मतदाता भारी संख्या में आएंगे और सही तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग ये दिवस का आयोजन करते हैं, और आपके माध्यम से भी ये बात हम सबको कहना चाहेंगे कि अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करें। भारत की एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी गहन और इतनी सुदृढ़ है कि आपने देखा होगा कि इवन कोविड के समय में, कोविड संक्रमण के समय में भी बहुत सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए हैं, जो कि एक्सेप्शनल है पूरी दुनिया में, और इसके लिए माननीय निर्वाचन आयोग को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे और साधुवाद देना चाहेंगे। और हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और सारी टीम जो है, हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम एक निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर पोल कराएं। सर, ईपिक वोटर कार्ड की बात आ रही है, डिजिटल वोटर कार्ड ईपिक सर, देखिए उसमें जो भी निर्देश आएंगे, अभी हम मेरे स्तर से इसमें कुछ कह पाना ठीक नहीं है, जो भी निर्देश आएंगे उसका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। धन्यवाद।